हमारा तो हमारे बाप भी करते थे, हमारे दादा भी इसी में जुड़े थे। मेरे पिताजी जो है एक दो कारखाने हैंडलूम के लगवाए थे। हमारे जो बड़े पापा थे वो खुद उनके वहाँ कार्य लगे थे, काम कराते थे। सर एक ही हैंडलूम पर दो तीन लोग होते हैं, चार पांच लोग होते हैं, मैं होता हूँ, मेरी वाइफ होती है, बस सारे परिवार इसी में जुड़े रहते हैं। कि ये मार्केट जो है कि रेशम नगरी से जानी जाती थी बाज़ार हमारा, अरे उसमें जो है कि 90% जो है कि दुकानें जो है कि इसी से जुड़ी रहती थी। मुबारकपुर टोटल बुनकर का ही घर है, बनाने वाले हैं, बनवाने वाले हैं और सेठ हैं, मजदूर हैं। हैंडलूम जो है ये हमारा मुबारकपुर में कड़वा काम होता है, ज़्यादातर मुबारकपुर में, बनारस में बहुत मुख्तसर मिलेगा। मैं जब से हो संभाला तब से तो मैं ये जुड़ा हूँ और तभी से यहाँ जो है ऐसी स्थिति बनी है कि बस आदमी कमा रहा है, जी रहा, खा रहा है, हमको उतनी उन्नति तरक्की नहीं मिल पा रही है। पहले से बहुत फर्क हो गया, पहले तो यहाँ सट्टी लगती, जो सट्टी बोलते थे, जगह जगह बड़े बड़े बाहर के व्यापारी आके बैठे थे तो ले आते थे, दिखाते थे और देखते थे, इसको जो अच्छा लगा ले लेते थे, शाम को दो घंटे के बाद पैसा दे देते। अब ये सब सिस्टम ख़त्म हो गया। जो मेन व्यापारी था हमारा वो मुबारकपुर में आना ही बंद कर दिया, इसकी वजह से बुनकर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अब आते नहीं है, बनारस में आ गए, यहाँ के सेठ को फ़ोन कर दिया, वो मास्टर को फ़ोन करके बोल दिए कि ये साड़ी इतनी हमको चाहिए, ये भेज दिए। ऐसे हम जाते थे तो हमको दो पैसा बढ़ती मिलता था, अभी हम मास्टर को दे रहे हैं तो नफ़ा मास्टर को खा जाता है, सिर्फ हमारी मजदूरी तक रह जाता है। अब बुनकरों की जो मजदूरी आज के 15-20 साल पहले 200 रुपये थी, 225 रुपये थी, आज हमको मजदूरी सिर्फ 400 रुपया मिल रही है एक दुपट्टे की। वो अपनी मजदूरी बढ़ा नहीं सकता, इसलिए कि वो सिर्फ जो है कि बुनकर जो है कि बुनाई ही करता है, उसी से जुड़ा हुआ है। वो दो दिन, हफ्ता, 10 दिन नहीं अगर भी करेगा तो उसकी जो है कि उसके रोज़मर्रे या खाने पीने का ज़रिया जो है ख़त्म हो जाएगा। बुनाई करने वाले हैं या वीवर्स हैं, इसीलिए जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। टोटल मुबारकपुर में हैंडलूम था, धीरे धीरे मार्केट ख़राब होने की वजह से लोग हैंडलूम से हटते गए, पावर लूम पर आते गए। मुकादम, जैसे कि इंजीनियर कह लीजिए, यहाँ पर मुकादम कहते थे, मुकादम रहते थे, 50 लूम 20 लूम 30 लूम का हैंडलूम, ये हैंडलूम का जो कारखाना चलता था आज से कम 16-17 साल पहले। अब ये सब चीज़ों देखने को आपको नहीं मिले, वो सब कारखाना बंद हो गया। Started working with the Bohra Muslim community of Mubarakpur in 2014. Now the Mubarakpur cluster, as far as I understand now, is one of those clusters which had been doing very well initially, then it gradually declined. Because they had lost the market, the skills had declined, and also they were consumed by the branding of Banaras and they didn't have an identity of their own. So when you're getting into a situation like that, it is quite difficult to work consistently and very hard to keep up their morale and to, you know, get them to sort of keep going at it. Initially, there was a lot of effort made to make them come on board and to start weaving. That was the time when we thought that we could revive the authentic and the traditional handloom weaving of the Bohra Muslim community. That way, I mean, I'm credit AIACA with having stayed on and with having faith and having built up their relationship very strongly and continuing to do it.
उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपको काम करना चाहते हैं, मतलब हमारे साथ जुड़ोगे। हमने कहा ठीक है, जुड़ेंगे। ये ताना बाना जो है सब दिया हम लोग बिने, और हमको जो है सैलरी मिलती गई। उन्होंने हमसे कहा कि मतलब ये धंधा आप लोगों का है। आते हैं हर महीने दो महीने पर, समझाते हैं, बताते हैं, जो हमारी कमी रहती है वो बताते हैं कि आप ऐसे नहीं हो पा रहा, ऐसे करो, ऐसे करो। एक एक हैंडलूम हमको मिला है, अब उसी में हम लोग कर रहे हैं और अच्छा है, ठीक है। तीन नियम बनाया कि तुम बुनाई भी करते हो, तुम खुद जाके मार्केट में बेचो और खुद सेट बनो, खुद कारीगर बनो। इससे हमको कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ फायदे हो जाते हैं। तुम बेचोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है। कहें कि नहीं हमको ये कलर चाहिए, तो हम देखते हैं कि ये कलर ज़्यादा लोग कस्टमर मांग रहे हैं और हमारे पास है नहीं, तो हम आने के बाद वो कलर तैयार करते हैं। तभी इसमें से दो दो आदमी बार बार निकलते हैं, कभी कोलकाता, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई। अभी दिल्ली में चल रहा है, आईका हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, देख रहे, उसी की निगरानी में चल रहा है हमारा। अब क्या है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब वो हमको आके समझाती है कि लिखना पढ़ना, माल कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कैसे जो है हिसाब रखा जाता है, बहुत सी चीज़ें हमको समझाई, और हमको कैसी फिनिशिंग देनी है जिससे हम सफाई और अच्छाई और हमको मिलती गई। We knew of the effort that AIACA had done. They actually started a long time ago. So at that time, we were not involved. I think we were just asked whether we could do test samples because we have this Kamla shop which we run. So we readily agreed to do it. And of course, the designs were limited, the colors were limited, and it didn't do very well. We gave a feedback about that. One important and interesting part of mobilizing them was to bring them to Delhi for an exposure visit to a very renowned textile exhibition called Kairi. AIACA brought the weavers to this show, and it's at a very central place. It's a very well-known exhibition. We advertised widely. So they were there, and they brought the main people in the group. And there they looked at the highest level of textile skills that exist all across the country. So the weavers and the practitioners had come from all across the country with their products, and that is where they really felt that they could also do something with their lost skills. That was an eye opener. We initially also tried reviving the satin weave, and we made some products, but we felt that the satin weave products would not give them business for the entire year. So even the interventions were required at the level of raw materials and the product diversification that we did. So we got into then silk cotton mix. We revived the traditional motifs, and with those motifs we made contemporary designs, and those were the designs that were discussed with the weavers. So it was a process where the weavers also became a part of developing their own designs with their own motifs, and then the next level was different kind of colorways that the urban markets are interested in, they are attracted to. And that is when they started producing collections which really attracted the market. That was how they started. Then they asked us whether we would be interested in giving them a stall. So we invited them to Kairi, and they did very well. In fact, their pricing was good, their colors were good, their designs were good. So they did very well. Hussein, who's from Mubarakpur, and Hussein has been weaving since jab 8 saal ke the tab se bunai kar rahe ho, aur chauthi peedhi hai jo nirantar bunai karti aa rahi hai. Hussein padhai kar rahe the, bcom abhi bhi jari hai inka, aur 2015 mein maheshwar gaye the prashikshan lene ke liye, aur aaj ki tareekh mein ek Mubarak Weaves naam ki sanstha hai jisko self help group hai जिसका समन्वयन करते हैं हुसैन. मुझे बहुत खुशी है हुसैन को आमंत्रित करते हुए.
मुबारकपुर में अभी जैसे सब लोग गल्फ में जाने लगे थे ये वीविंग छोड़ के. वीविंग छोड़ने का ये जो कारण था ये मास्टर वीवर की वजह से ये छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें जितना वो काम करते थे उन्हें उतना वेजेस नहीं मिलता था. तीन महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहाँ पे. हैंडलूम का पूरा ए टू जेड वहाँ पे सिखाते हैं कि अलग अलग एरिया में किस तरह की वीविंग होती है, उन सबको मिला के हम क्या बना सकते हैं, वीवर्स एक अपना बिजनेस कैसे कर सकें, वो चीज़ें सिखाई गई वहाँ पर. मुबारकपुर में पूरी साड़ी में एक ही धागा चलता रहता है, एक से ज़्यादा दो चलाने की पल्लू में थोड़ा धागा बदल दिया है. वहाँ महेश्वर में हमने कई धागों को ट्विस्ट करके चला, जैसे कॉटन सिल्क मिक्स कर दिया इस तरह से अलग अलग का जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर पे वो हम भी नहीं जानते टेक्सचर क्या चीज़ होती है. इंटर्नशिप हमारी दिल्ली में हुई थी फेम इंडिया का स्टोर, वहाँ पर मैं इंटर्नशिप में जाने का मतलब एक हफ्ते तक फेम इंडिया के स्टोर पर हम सेलिंग करते रहे काउंटर पर jaipur.com, उसमें ऑनलाइन सिखाने के लिए बताया कि ऑनलाइन क्या क्या सिस्टम होता है. नली सिल्क शॉप है दिल्ली में, साउथ इंडिया की शॉप है, उसमें मैं गया एक हफ्ते तक, वहीं पर पूरा बायर्स के साथ सेल की, तो काउंटर पर खड़े होकर पूरा सेलिंग वगैरह सीखा. उस 12th क्लास में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब हम हैंडलूम में काम करेंगे या वापस जाके फिर वीविंग का काम, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का काम हम करेंगे. भागते थे जो यंग लोग होते हैं वो भागते हैं, तो हम भी पहले यही सोचते थे. हुसैन एंड मुस्तफ़ा whom we had identified, and from the beginning we have really built their capacities also. Building the capacity of the youth in entrepreneurship, even when they are not actually producing the product, but they are aware of weaving and they know how to weave. Hussein and Mustafa has really taken the lead and they really have proven to be leaders of this group, where they are the interface with the market, they do the production planning and they maintain the self-help group. अब जो जाता है regularly जो जाता रहता है उनको मतलब पूरा experience हो गया, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसे जोहेब भाई, जकी भाई, गुलाम हुसैन, तो हमारा तो काम है कि सबको सिखाना, सब बराबर सीखें, सब बराबर जाने. तो अब उनको next month में जो exhibition है अगले महीने 14 फरवरी को नेचर बाज़ार में, वहाँ पर वही लोग जाएँ जो जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है. जो है कि 13 साल से जो है कि इसमें इससे जुड़ा, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ अपने तरीक़ों से तब्दीलियां करते करते जो है कि इसका पूरा जो है कि काम मैं खुद अपने आप जो है कि बन कर लेता हूँ, कि दिमाग लगा कर जो है कि इधर उधर बनाना. और एक घर का काम है, अपने माँ बाप अपने भाई बहन में सब में रह कर एक काम है तो अच्छा लगता है. मुझे अच्छा एहसास हो रहा है कि मैं जो है कि यह अवार्ड पाया, अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मॉनिटरी थिंग और समथिंग, बट यू फील दैट पीपल नो एट लीस्ट रिकॉग्नाइज यू फॉर समथिंग दैट यू आर डूइंग, इज वर्थ वाइल व्हाट यू आर डूइंग. वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस इन हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स इज सर्टनली दैट दे डोंट, दे हैव नेवर फेल्ट रिस्पेक्टेड और फेल्ट दैट दे हैव अ प्लेस इन सोसाइटी. पुअर वीवर द वीवर शोन दैट ही कैन बी फाइनेंशियली एंड इट्स गुड फॉर हिम. And also it's good that helps him being educated, you know, his family, he can take care of his family, it gives him a certain self-respect and self-worth. Mumbai mein logon ne hamara product dekha, raw mango ke sath milaya. Ek log to aisi thi jo matlab bahut dur thi, par hamara display kiya hua dupatta tha, to wo dur se dekh ke hi aa gayi, to wo bol rahi hai ki matlab aapka color is tarah ka hai ki matlab main dekh ke khinchi chali aayi. Matlab usne kuch bhi nahi kaha, bas 4-5 दुपट्टे उठाए, 2 साड़ी उठाए, कहाँ पैक कर दो, मुझे कुछ नहीं देखना. हमारी क्वालिटी जो है वो उनकी तरह की क्वालिटी है, जैसे संजय गर्ग की क्वालिटी वो अपने आप में ही एकदम हाई फाई है, तो उनके साथ वो कंपेयर कर रहे थे, तो ये जान के ना हमें बहुत अच्छा लगा. दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू सी हु इज बाइंग फ्रॉम यू, हु सेज व्हाट अ नाइस कलर बट नेक्स्ट टाइम डू ग्रीन, एंड दैट इट्सेल्फ इज अ लर्निंग.
or hey, I don't like this color, but I love the border. And therefore, they had developed a sense of confidence. And that was what was so remarkable. The whole issue of equality between the maker and the buyer. The fact that prices are fixed and we don't haggle. And again, that creates a kind of equality. The fact that a product is branded and you stand behind your name. Banaras is such a big behemoth in this country. I mean, everybody has to have a Banaras sari. So the fact that it was rebranded and we suddenly said, Mubarakpur, hey, where is Mubarakpur? One is a connect when you get something authentic. Now, the question of what is authentic is a little difficult, but it is recognizable. Today, consumers, buyers, and the stakeholders in the sector are more and more conscious of this problem. They understand that authenticity is important. They understand that handloom weaving is a very high level of skill, and they are premium products. So this whole branding of premiumness is associated with handlooms, and it is growing in a very large way. You know that this is the real thing. It's not an imitation. I think some of the very simple but beautiful motifs of Mubarakpur are really old, authentic ones of theirs, you know. And many a time the attraction and the beauty of a product is also because of its context. And if you combine it with, say, things which appeal to current sensibilities, like the colors, the textures, the weight. For instance, nobody any longer wants to wear very heavy sarees. If you factor in these aspects, so then you get a product which is very appealing. There was a time when people would say, oh, of course there's a flaw, kyunki ye haath se bana hua hai. Now that is no longer acceptable. Haath se bana hua hai, so it should be even better. And yes, we accept the flaws of the hand, but the flaws of the hand lie in their beauty, in the unevenness. अभी भी जाते हैं एक दिवस में कस्टमर ये मुबारकपुर कहाँ आता है भैया तो मुबारकपुर का एक ब्रांड बन गया है एक जानने भी लगे कि मुबारकपुर भी जगह है जहाँ हैंडलूम का काम होता है हम बताते हैं पूरा पूरा जो अपना गुरु के बारे में है जब से बना है कब से काम किया है ट्रेडिशन क्या है वो हम पूरा कस्टमर बताते हैं फिर बहुत शौक हो जाते हैं अच्छा है इतने दिनों से काम होता है काम में होता है पर कोई पहचान नहीं थी बनारस से ही जुड़े हैं बनारस हमसे जुड़ा हुआ है तो हम अपना आइटम मुबारकपुर के नाम से ही बेचते हैं तो इससे हमारा नाम कुछ आगे आया नहीं तो हम लोग ऐसे ही दबे पड़े थे मुबारकपुर कहाँ है कोई नहीं जानता था हो रहा है बिक रहा है लोग कदर कर रहे हैं पूछते हैं कि ये मुबारकपुर कहाँ है तो हम बताते हैं कि बनारस के 100 किलोमीटर दूरी पर है कैसा करके तो बनारसी साड़ी बनारस का है बनारस के नाम से ये सप्लाई हो रहा है आप लोगों के बीच आ रहा है तब ये जाने कि मुबारकपुर से तैयार होते हैं यस आर्टिसंस एंड वीवर शुड हैव द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ दैट व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली प्राइसलेस नो एजुकेटेड पर्सन वांट्स टू वर्क विद हैंड्स सो व्हाट दे आर डूइंग विद हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वी रियलाइज इट बट दे शुड ऑल्सो रियलाइज इट एंड आई थिंक दैट विल गिव देम अ स्ट्रेंथ विच दे हैव नेवर हैड all these years. And so that's how Mubarakpur has been interwoven in our lives. तो उस एग्जीबिशन में इफ्तिखार हुसैन यानी आप जाएंगे आपके साथ रजब अली जाएंगे ये हमने रजिस्टर में नोट कर दिया है ये सबकी सहमति है सबने साइन कर दिया है कि वो सारे सहमत हैं कृपया कर आप भी साइन कर दीजिए ठीक है बाबू कृपा करते हैं मगर ये पहले एक बात बता कि लेट क्यों किया मीटिंग में आप लेट कर देते हैं पहले साइन करिए ना नहीं तब बता मुके अब्बा बतावे आज की मीटिंग इसी पे खत्म करते हैं जब जाना है ये तो टिकट करा देते हैं टिकट में कोई लोचा ना हो नहीं तत्काल टिकट 300 रुपए महंगा पड़ता है तो वो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले करा देंगे तो हमारा जिंदा रहूंगा तो चला जाऊंगा अबे मरने के बाद तुम्हारी कब्र में से निकाल के थोड़ी ना बेच लेंगे
घर की ये कठला बुनकर की पहचान है।